वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। आज हम यहाँ पर आपका डिस्कस करेंगे टॉपिक नर्सिंग आर्ट्स का, ठीक है, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसमें कि आपका टॉपिक आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द कोर्सेज, ठीक है, जो है वो है रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, कौन कौन सा रूट है और ड्रग कैसे कैसे जो है वो हम किसी पेशेंट को जो है वो इंजेक्ट करते हैं, क्या क्या रूट्स रहते हैं, किस तरह से मेडिकेशन देते हैं हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है दो जगह पर आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें कि हम अपने वीडियो शेयर करते हैं। एक तो आपको मिलेगा यूट्यूब, जो कि आप सर्च करेंगे जेके पैरामेडिकल इन्फो डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। दूसरा, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे जेके पैरामेडिकल इन्फो। अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन यूट्यूब पर नहीं आती, आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ओके, तो 1000 प्लस जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं टेलीग्राम पर भी, आप अगर सीधा जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी वीडियो जैसे अपलोड करते हैं वहाँ भी शेयर कर देते हैं, आप इजीली जो है वो डायरेक्टली देख सकते हैं, दोनों तरफ से आप नोटिफाई हो जाएंगे, देन आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसमें कि हम एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाईपास द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो कौन सा रूट है जो कि आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है वो उसको बाईपास कर जाता है, कौन सा रूट है, किस रूट से हम मेडिकेशन देते हैं। ठीक है, आप सब लोग को पता है जो है मेडिकेशन देने के काफ़ी सारे रूट्स हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, जो आप ओरली भी देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं, इंट्राकार्डिक देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं, सफोटेनियस देते हैं। ठीक है, तो सबलिंगल रूट है आपका, सफोटेनियस है। ओके, थ्रू रेक्टम है आपका, जो है वो अलग अलग तरीके से हम ड्रग जो है वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से या फिर उसके डिजीज़ के हिसाब से जो वो उसको इंजेक्टेबल ओरली जो है वो पेशेंट को जो है हम वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग का रूट है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि अगर आप ओरली मेडिकेशन लेते हैं तो आपको इंटेस्टाइन में जाएगी, आपके गैस्ट्रिक में जाएगी, ठीक है, आपके स्टोमक में जाएगी, बट बाईपास करने के लिए क्या है आपका ओरली जो है इंट्रावेनस जो आपका रूट है उससे जो है वो मेडिकेशन आपकी गैस्ट्रिक में नहीं जाएगी। ठीक है, वो डायरेक्टली आपका डिलीवर करती है कहाँ, ब्लड स्ट्रीम में, बाईपास द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। सबलिंगल रखते हैं तो वो भी आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ही आता है। देन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व प्लेसिंग मेडिकेशन अंडर द टंग। अगर जिस मेडिकेशन को आप टंग के अंडर रखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको एक छोटी सी, अगर आपका हाइपरटेंशन, अगर आपका बीपी बढ़ जाता है तो आपको जो है वो एक टैबलेट दी जाती है, ठीक है, उसका नाम है डिपिन, डिपिन टैबलेट होती है, उसको प्रिक करके जो है वो उसको टंग के नीचे रखते हैं, सोलिंगल रूट है। ठीक है, प्लेस अंडर द टंग, उसको हम बोलते हैं सोलिंगल रूट, जो कि आपकी ईजिली जो है वो डिजॉल्व हो जाती है आपके ब्लड स्ट्रीम के साथ। ठीक है, वेयर द गेट अब्जॉर्ब इन टू द ब्लड स्ट्रीम। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका, विच रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व द इनहेलेशन मेडिसिन इन टू द लंग। इनहेल करते हैं अगर हम किसी भी मेडिकेशन को लंग में, उसको क्या बोलते हैं, ओरल बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं, इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर, तो उस मेडिकेशन को बोलते हैं हम इनहेलेशन। इनहेलेशन आर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वेयर मेडिकेशन इनहेल्ड इन टू द लंग्स फॉर अ रैपिड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर किसी को ब्रांचो कॉर्डिलेटर्स है या फिर अस्थमेटिक कोई पेशेंट है, उसको हम जो है वो ब्रांचो कॉर्डिलेटर्स देते हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारे आते हैं ड्यूलिन आता है, एस्थलिन आता है, फोराकार्ट आता है करके, जो है वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, देन आपको जो उसको नेबुलाइजेशन मशीन आती है, देन ऑक्सीजन मास्क के बीच उसको डालकर जो है वो उस लिक्विड को डाल के आप पेशेंट को है जो नेबुलाइज करते हैं, उसको जो है वो मतलब भाप देते हैं, समझ रहे हो बात को मेरी, पकड़ पाओ अगर आप, तो वो आपके जो है लिक्विड फॉर्म में आते हैं, ड्यूलिन होता है, एस्थेलिन, देन होता है आपका एक फोराकार्ट, जो कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो क्लीन करता है, उसको एयरवे को। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर, विच रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व अप्लाइंग मेडिकेशन ऑन द स्किन। अप्लाई करते हैं अगर हम मेडिकेशन को किसी भी स्किन में, तो उसको आप क्या बोलोगे, ओरल बोलोगे, टॉपिकल बोलोगे, इंट्रावेनस बोलोगे या इंट्रामस्कुलर बोलोगे, तो उसको हम बोलते हैं टॉपिकल। टॉपिकल होता है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एनी सरफेस, उसको हम टॉपिकल में इंक्लूड करते हैं, तो टॉपिकल में आपका आ गया आपकी स्किन। तो अगर आप स्किन के ऊपर किसी को करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको भी ये तो ना बोलोगे कि हमने भाई स्किन के ऊपर अप्लाई कर दी, उसका भी तो कोई रूट होगा ना मेडिकल टर्म में। ठीक है, यू आर मेडिकल स्टूडेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉपिकल बोलते हैं। ठीक है, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स अप्लाइंग मेडिकेशन डायरेक्टली ऑन टू द स्किन फॉर अ लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह अगर अप्लाई करते हैं तो। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सूटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रैपिडली।
तो कोई भी लार्ज वॉल्यूम ऑफ अगर आपको किसी भी फ्लूड जो है वो फ्लूड देते हैं हम, जो कि आपका एनएस होता है, डीएनएस होता है, जिसमें कि आप बोलते हैं नॉर्मल सलाइन, डेक्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, देन आपका आता है आरएल, रिंग लैक्टेट बोलते हैं जिसको हम, उसको बाद आता है इलेक्ट्रोड, मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स आते हैं जिसमें कि आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह होते हैं। कुछ भी इंजेक्टेबल अगर आपको मल्टी विटामिन करना है वो भी आप एनएस में उसके साथ मिक्स करके जो है वो आप उसको पेशेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रावेनस रूट आता है वो आपका, किसी भी चीज़ की अगर आपकी KCL फॉर एग्जांपल, अगर आपके कैल्शियम की जो है वो KCL या KCL की कमी है, कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम फॉस्फेट की है, वो सभी वो हैं जो हों उनको इंजेक्टेबल करते हैं हम थ्रू इंट्रावेनस रूट। लार्ज फ्लूड डिहाइड्रेशन हो जाती है पेशेंट को, पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में जा रहा है, ठीक है, कोमा में जा रहा है, तो उसको हम रैपिड फ्लूड अगर उसको अगर देना हो तो वह आप उसको थ्रू 18 गेग ऑफ कैनूला और 16 गेग ऑफ कैनूला के थ्रू जो है उसको रैपिडली जो है वो उसमें कर सकते हैं, उसको फ्लूड चढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या करते हैं उसको डायरेक्टली जो है वो उसको क्या बोलते हैं उसको, सॉरी रिमेंबर नहीं हो रहा अभी, फीडिंग ट्यूब के थ्रू या फिर आप उसको जो है वो डायरेक्टली फ्लूड दे सकते हैं फुट के पास। अगर आपने केबर सर्जरी में देखा होगा बड़े बड़े आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं उनको फीट के पास में जो है वो कट करके वेन में जो है वो उन्होंने एक ट्यूब सी डाली होती है उसके थ्रू उसको फ्लूड रैपिडली देते हैं ताकि पेशेंट कोमा में ना जाए, अनकॉन्शियस ना हो जाए। लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूड देने का एक ही रास्ता है वो आपका इंट्रावेनस, ठीक है, जिसमें कि रैपिड वॉल्यूम में हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूड मेडिकेशन इन टू द ब्लड स्ट्रीम दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 6, इसी तरह से अगर मैं हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा तो काफ़ी जो है वो टाइम लग जाएगा, एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए थोड़ा आपको शॉर्ट शॉर्ट बता देता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता चले और हमारी जो है वो क्वेश्चंस आगे बढ़ते चले। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच नीडल लेंथ इज़ कॉमनली यूज फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तो कौन सी नीडल की है जो देखें आपको नीडल्स, कैनूला जो है वो इन सब के साइज़ पता होने चाहिए आपको, ट्रिप सेट जो है वो इंजेक्शंस उनके जो है आपको पार्ट्स पता होने चाहिए, उनके नेम्स पता होने चाहिए, सभी इन्फॉर्मेशन जिस जिस तरह से हमारे साथ कैंडिडेट जुड़ता जाएगा या फिर जिस जिस तरह से डिमांड होगी हम उस तरह से वीडियोज़ जो है वो डालते जाएंगे, बट इट टेक्स टाइम, ठीक है। देन वो है आपकी 1.5 इंचेस जो है वो आपकी सिरिंज है, ठीक है। देन हमारे अगर इंडियन नर्सिंग कंटेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो जो आपकी निडल की लेंथ होती है 1.5 इंचेस इन कॉमनली यूज्ड फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें, एंगल इज़ रिकमेंडेड फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। अगर इंजेक्टेबल कोई भी करते हैं तो जो है वो आपको करने का एंगल होता है उस मेडिकेशन को या फिर इंजेक्शन को प्लेस करने का, इंजेक्शन लगाने का जो है वो एक वे होता है जिससे कि अप्रोप्रिएट वे होता है जिससे आप मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं। ऐसे भी थोड़ा ना किसी को मैजिक मेडिकेशन अगर 90 डिग्री में इंट्रामस्कुलर लग रहा है तो आप उसको 65 में लगा रहे हैं, अगर 45 में इंट्रावेनस लग रहा है आप उसको 35 में लगा रहे हैं, 15 में लगा रहे हैं, ठीक है, वो तो सफोटेनियस में चला जाएगा। इस तरह से प्रॉपर रूट्स होते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आर टिपिकली एडमिनिस्टर्ड एट द 90 डिग्री ऑफ एंगल, एंश्योर प्रॉपर डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन इन टू द मसल टिश्यू, ठीक है। देन कौन सा मसल होता है आपका, ठीक है। देन विच ड्रग ऑफ द विच रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर्ड हैज़ अ स्लोएस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, स्लोएस्ट ऑनसेट क्या है, किस मेडिकेशन का होता है, वो आपका ओरल मेडिकेशन का होता है, ठीक है। अब्जॉर्ब होती है कई बार आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जाकर आपकी, जो कई बार आपके स्टोमक में कुछ मेडिसिन डिसॉल्व होती हैं, कुछ आपकी इंटेस्टाइन में ट्रैक होती हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं या मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो गैस्ट्रिक में मेडिसिन डिसॉल्व होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं और जो इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होती हैं उन मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज सूटेबल फॉर पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस और अनेबल टू स्वेलो। अब अगर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, मेडिसिन ओरली नहीं ले सकता, तो उसको कौन से रूट से देते हैं हम, उसको हम क्या ओरली देंगे, सबलिंगुअल, इंट्रावेनस या रेक्टल, उसको हम इंट्रावेनस देंगे, ठीक है। इंट्रावेनस इज प्रेफर्ड रूट पेशेंट फॉर अनकॉन्शियस ओवर स्वेलो और एंश्योर रैपिड ड्रग डिलीवरी। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनटू एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन इनटू अ स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल कैनाल में जो है वो अगर मेडिकेशन देनी है तो हम उस रूट को क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, इंट्राथेकल, उसको हम बोलते हैं इंट्राथेकल। इंट्राथेकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसको हम जो है डायरेक्टली स्पाइनल कैनाल में जो है वो हम उसको जो आपकी लंबर वेन होती है उसको पंचर करके उसमें देते हैं। अगर आपको बड़ी बड़ी सर्जरीज में जब एनेस्थीजिया देते हैं तो वो थ्रू उसको स्पाइनल कैनाल ही देते हैं ताकि आपका स्पाइनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो टोटली डेड हो जाए जिससे कि पेशेंट की सर्जरी की जा सके, ठीक है।
देन क्वेश्चन नंबर 11, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉमनली यूज फॉर एलर्जी टेस्टिंग। एलर्जी टेस्टिंग करने के लिए अगर कोई भी आप मेडिकेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मोनोसेफ, जिसको हम सेफ्ट्राजोन जो है उसका साल्ट है, इंजेक्शन एंटीबायोटिक है, या फिर टेजोपेक्टम होता है एंटीबायोटिक, अगर हम वो देते हैं किसी भी पर्सन को, अगर डायरेक्टली अप्लाई उसको इंट्रावेनस दे देंगे तो उसको एकदम से सडन एलर्जिक हो जाएगी, उसको रैशेज पड़ जाएंगे, फेंट हो सकता है पेशेंट। तो आप किस तरह से देंगे, हम उसको पहले करते हैं टेस्ट डोज AST। आप डॉक्टर्स की रिसिप्ट में देखना AST लिखा होता है, आफ्टर टेस्ट डोज, ठीक है। तो आफ्टर टेस्ट डोज का मतलब होता है हम उसको किस में देते हैं, उसको हम देते हैं इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल जिसमें कि हम जस्ट बिलो द स्किन सरफेस में हम उसको 0.5 जो है वो ml हम स्किन में इंजेक्ट करते हैं। देन हम वेट करते हैं 15 मिनट तक, अगर उस एरिया में या फिर उसके आसपास अगर पेशेंट को कोई जलन हो रही है, रेडनेस हो रही है, या फिर पेशेंट जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो देन हम नहीं देते उसको, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच सिरिंज इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। इंसुलिन आपको पता है किस लिए देते हैं, आपका इंसुलिन देते हैं हम डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको, और इंसुलिन कौन सी सिरिंज से दी जाता है, इंसुलिन सिरिंज आती है अलग से, एक आपने रेड कलर की देखी होगी, ठीक है। इंसुलिन सिरिंज जो कि एक्यूट मेजरमेंट रखती है आपकी इंसुलिन डोज को, यूनिट्स में मेजर करती है इंसुलिन सिरिंज, ठीक है, और यूनिट्स में जो है वो इंसुलिन दिया जाता है, कभी भी ml में नहीं दिया जाता, यूनिट में दिया जाता है, ठीक है। 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट, 5 यूनिट, इस तरह से करके जो है वो आपका 12 यूनिट, 18 यूनिट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर RBS, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर शुगर फास्टिंग, ठीक है, रेगुलर जो चेकअप होता है हम उसका शुगर का, उसमें हम उस हिसाब से, उसके हिसाब से जो है वो RBS चार्टिंग होता है, जो उसके हिसाब से जो है वो हम पेशेंट को जो है देते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। इंट्रावेनस का सबसे फास्टेस्ट होता है ड्रग, कॉमनली यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन्स, वैक्सीन्स के लिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं इंट्रामस्कुलर, इंसुलिन भी इंट्रामस्कुलर में दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपको टेटनस हो गया, आपका रेबिस का इंजेक्शन हो गया, ये सभी वैक्सीन्स में आते हैं, आपका BCG हो गया, डायपिटेरिया हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो गया, जितने भी हैं ये सभी सिर्फ ओरल पोलियो वैक्सीन है, जो कि आपका उसका नाम ही ओरल पोलियो, तो वो ओरली जब उसके ड्रॉप्स जो है वो आपको दी जाती हैं, बट अदरवाइज जितने भी आपको वैक्सीन से, ठीक है, हमने कोविड की वैक्सीन लगवाई होंगी वो भी आपने देखा होगा कि इंट्रामस्कुलर ही लगती हैं सारी, ठीक है। देन इंजेक्शन टेक्निक इन्वॉल्व मेडिकेशन इनटू अ फैटी लेयर जस्ट बिलो द स्किन, तो उसको हम बोलते हैं सफोटेनियस। अगर फैटी लेयर जो स्किन की है उसके जस्ट बिलो हमको अगर इंजेक्शन देना होगा तो उसको हम बोलते हैं सफोटेनियस, ठीक है। देन सफोटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन फैटी लेयर जस्ट बिलो द स्किन सरफेस, स्लो एंड सस्टेनेबल अब्सॉर्प्शन। एड्रेनल एट्रोपाइन जैसे इंजेक्शन है जो आपके कार्डियक अरेस्ट में काम आते हैं, उनको हम सफोटेनियस जो है वो देते हैं पेशेंट को, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व द इंसर्टिंग मेडिकेशन फील्ड सस्पिरेटरी इनटू रेक्टम। अगर रेक्टम रूट में अगर हम किसी पेशेंट को मेडिकेशन देते हैं, किसी पेशेंट को कंस्टिपेशन होगी, उसको अगर अनीमा देना है पेशेंट को, अनीमा देने के लिए आप क्या करोगे, आप जो है वो उसको थ्रू रेक्टल जो है वो अनीमा दोगे, अनीमा उसका नाम ही, फ्लूइड का नाम ही अनीमा है, जैसे कि अभी कंस्टिपेशन ब्लॉकेज जो होती है आपको स्टूल की, वो जो है वो पास आउट होना शुरू हो जाता है, उसको थ्रू रेक्टल ही एडमिनिस्टर किया जाता है अनीमा को, ठीक है। देन इन्वॉल्व द इंसर्शन ऑफ मेडिकेशन फील्ड सस्पिरेटरी इनटू द रेक्टम फॉर अ लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट, ठीक है। देन विच नीडल गेग इज लार्जेस्ट डायमीटर, लार्जेस्ट डायमीटर की जो होती है आपकी 18 गेग होती है, देन उसके बाद आती है आपकी 20 गेग की, देन उसके बाद आपका जो होता है 18 गेग का शायद ग्रे कलर का होता है, 20 गेग पिंक कलर का होता है, 22 गेग देन आता है हमारे पास, 21 गेग का कोई नहीं होता, 22 गेग का आता है हमारे पास ब्लू कलर का कैनोला, जिसको मेडिकेट बोलते हो, जब आप कोई भी ड्रिप वगैरह लगाते हो जो लगा होता है आपको हैंडसेट पे, उसको हम कैनोला या फिर मेडिकेट भी बोलते हैं। देन 22 गेग का आता है आपका ब्लू कलर, उससे कम में आता है 24 का येलो में शायद, और 26 का वायलेट में, इन दोनों में थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा आप, ठीक है। देन हमारे पास है नीडल गेग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दैट डायमीटर सो ऑन, 18 गेग नीडल इज लार्जेस्ट डायमीटर, इन्वर्सली चलता है ये प्रोपोर्शनल ऑफ डायमीटर, जितना साइज़ बड़ा होगा उतना उसका नंबर कम होगा, जितना नंबर ज़्यादा होगा उतना उसका साइज़ छोटा होगा। अगर 26 नंबर सबसे बड़ा है नंबर में, बट उसका साइज़ जो है वो सबसे छोटा होगा, 18 नंबर सबसे कम है बट उसका जो है वो साइज़ सबसे बड़ा होगा कैनोला का। नीडल गेग इज कॉमनली यूज फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए हम 21 गेग की जो है वो नीडल यूज़ करते हैं, इधर नीडल की बात हो रही है, नॉट मेडिकेट की बात, नीडल की बात जो हो रही है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में, वो इंट्रामस्कुलर जो आपकी नीडल है वो हम 21 गेग की यूज़ करते हैं, ठीक है, 21
22 गे का मेडिकेट देख लीजिए, उससे जस्ट थोड़ी सी छोटी होती है 21 गे की निडल, बट 21 गे का कैनूला नहीं होता, निडल होती है। निडल कॉमनली यूज फॉर सफोटेनस इंजेक्शन। निडल हम 25 गे की आपकी निडल होती है, बट 24 गे का आपका मेडिकेट होता है। 25 गे का कोई भी मेडिकेट नहीं होता, निडल होती है सिर्फ, जो इंजेक्शन की आपकी निडल लगती है वो, ठीक है। कॉमनली यूज फॉर सफोटेनस इंजेक्शन, इट कैन कॉज अ लेस डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट। देन निडल गेक इज कॉमनली यूज फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन, के लिए हम 30 गे की जो है वो हम वेन यूज़ करते हैं, बट 30 गे का कोई कैनूला नहीं होता, जो है उसकी निडल हम यूज़ कर सकते हैं। देन 30 गे की सबसे छोटी निडल होगी, आप समझ लीजिए जितना नंबर बड़ा उतना साइज कम, ठीक है। लेस्टर मेक अलो द स्मूथर फ्लो ऑफ फ्लूइड। देन विच एंगल रिकमेंडेड फॉर सफोटेनस इंजेक्शन, तो कौन सा एंगल हम यूज़ करते हैं, हम एंगल यूज़ करते हैं 45 डिग्री एंगल का, जो है वो हम यूज़ करते हैं सफोटेनस टिश्यू के लिए। एंगल फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए हम 30 डिग्री और सफोटेनस के लिए 45, ठीक है, जो है हम डिग्री का यूज़ करते हैं इंजेक्शन का। विच मेडिकेशन एडमिनिस्टर द टेक्निक इन्वॉल्व स्लो इंजेक्शन स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन इन टू द स्किन, ठीक है, उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ठीक है, जिसमें कि आप स्लोली इंजेक्टेबल करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है जी। आपकी डर्मिस एपिडर्मिस जो है वो स्किन के लेयर से, आप पढ़ लीजिएगा आपके लिए ईजी होगा जिसने नहीं पढ़ा। देन क्वेश्चन नंबर 24, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्रू, डायरेक्टली पढ़ते हैं, इतना टाइम नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ हाईली बायोअवेलेबिलिटी, ओरल जो मेडिकेशन है हाई अवेलेबिलिटी है अब्सॉर्ब्ड थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय द इंट्रावेनस रूट, इंट्रावेनस रूट के थ्रू कौन सी मेडिकेशन हम देते हैं, इंसुलिन, और जो है वो आपको मैं बताता हूँ, रुको, इंसुलिन जो है वो आपका किस में आता है, वैक्सीन में आता है। एंटीबायोटिक्स जो आपको इंट्रावेनस दी जाती हैं, बट एक्सोप्रेन जो आपका आता है ये आपको ब्लड थिनर में आता है, ये आपको सफोटेनस दिया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन करके जो है वो आपको स्किन पर में भी अप्लाई किया जाता है ये, ठीक है। ये तीनों को छोड़कर आप ऐसे एलिमिनेशन लगाकर जो है वो आप एंटीबायोटिक्स जो है वो थ्रू इंट्रावेनस रूट हम दे सकते हैं। देन स्टेटमेंट बिलो द सब्लिमिनल मेडिकेशन इज ट्रू, सब्लिमिनल मेडिकेशन जो कि रिलेटेड कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू है, सब्लिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन इज सूटेबल फॉर पेशेंट विद डिफिकल्टी स्वेलिंग। सब्लिमिनल रूट की उनके लिए है जिनको स्वेलो करने में, जिनको टैबलेट खाने में, गले से नीचे उतारने में दिक्कत है, उन लोगों के लिए सब्लिमिनल टंग के नीचे रख दो, असर हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के साथ मिल जाएगा। बट इसका साइड इफेक्ट आपने पढ़ा होगा कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रूट्स ऑफ मेडिकेशन, ये आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन अच्छे से। तो डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाता है कि सभी मेडिसिन जो है वो सब्लिमिनल रूट के लिए अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाई इनहेलेशन, इनहेलेशन हम ब्रोंकोकॉर्डिलेटर्स, मैंने आपको बताया, हम जो है वो देते हैं पेशेंट को अगर डायरेक्टली इनटू द लंग्स के लिए करना होता तो। क्वेश्चन नंबर 28, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टॉपिकल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्रू, टॉपिकल आपको बताया मैंने किसके लिए होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सूटेबल फॉर पेशेंट ऑन द स्किन इन्फेक्शन, टॉपिकल विल लोकलाइज स्किन इन्फेक्शन कंडीशन, मेडिकेशन अप्लाई डायरेक्टली टू द इफेक्टेड एरिया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 29, फॉलोइंग मेडिकेशन कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय ट्रांसडर्मल पैचेस, ट्रांसडर्मल पैचेस के थ्रू हम क्या करते हैं, यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन द एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन लॉन्ग टर्म सिस्टमेटिक इफेक्ट, एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिकेशंस होती हैं उनको हम थ्रू क्या करते हैं, बाय ट्रांसडर्मल पैचेस। ट्रांसडर्मल पैचेस एक पतली बिल्कुल जो है वो लेयर्स, जिस तरह से आप समझ लीजिए आपकी जो होती है माइक्रोपोर, माइक्रोपोर आपकी वाइट कलर की एक टेप होती है हॉस्पिटल्स में, ठीक है, इस तरह से करके माइक्रोपोर से भी एक बिल्कुल पतला जो है वो थिन कर, बिल्कुल जो है वो क्या आता है, एक टेप टाइप सी आती है, ठीक है, बिल्कुल जो है वो, और वो आपकी स्किन के साथ अटैच होती है। जिन पोर्स से आपकी जो है वो स्वेटिंग आउट होती है, उन पोर्स से ही जो है वो आपका थ्रू ट्रांसडर्मल पैचेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टमेटिक इफेक्ट करती है वो मेडिकेशन। आपने पहली बार सुना होगा रूट, बट एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिकेशंस होती हैं थ्रू ट्रांसडर्मल पैचेस जो है वो मेडिकेशन इंजेक्टेबल करते हैं, लोकल हॉस्पिटल्स में नहीं बट बड़े बड़े मल्टी सिटी हॉस्पिटल्स में ऐसा मेडिकेशन, ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे इंडिया में भी, ठीक है, इज डेट क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज ट्रू, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कॉमनली एडमिनिस्टर्ड एट 45 डिग्री ऑफ एंगल। देन क्वेश्चन नंबर 31, फॉलोइंग निडल गेग इज कॉमनली यूज्ड इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए हम 30 गेग यूज़ करते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट निडल मानी जाती है ये। इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, आप स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए एक बार, पढ़कर जो है वो खुद से आंसर कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से ये लीजिए, ठीक है, इसके बाद मैं डायरेक्टली आंसर दे दूंगा, आप वीडियो पॉज करके दीजिए, आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप खुद से अपने साथ धोखा मत कीजिए,
ठीक है, आपको कितना आता है, आप कितने पानी में हो, कितने बाहर हो, यहीं से सब क्लियर हो जाता है। ठीक है, किसी को ये मैं नहीं बोल रहा है कि किसी की नॉलेज कम है या किसी का कुछ, मेरा किसी का कोई मोटो नहीं है, बस इतना है कि आप लोग अगर प्रिपरेशन करें तो अच्छे से प्रिपेयर करें, ना कि आप सिर्फ एक जेके बोपी के एग्ज़ाम के लिए या एक जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए, बट अपनी नॉलेज को वाइड करने के लिए अगर आप नर्सिंग फील्ड में हैं तो आप लोगों को एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए किसी भी फील्ड की। ठीक है, यू हैव अ मास्टर ऑफ योर ओन सब्जेक्ट, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए बेसिक। देन क्वेश्चन नंबर 33, फॉलोइंग नीडल गेग इज़ कॉमनली यूज फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन, हम 25 गेग की जो है वो नीडल यूज़ करते हैं। फॉलोइंग नीडल गेग इज़ कॉमनली फॉर सफोटेनस इंजेक्शन 25 गेग, देन स्टेटमेंट ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज ट्रू, देन इंट्राडर्मल इंजेक्शन आर कॉमनली एडमिनिस्टर्ड एट द 90 डिग्री एंगल। ठीक है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन टिपिकली एडमिनिस्टर्ड एट 10 to 15 डिग्री एंगल, एंश्योर द एक्यूरेट प्लेसमेंट ऑफ मेडिकेशन जस्ट बिलो द एपिडेमस। देन क्वेश्चन नंबर 36, विच गेग ऑफ नीडल गेग कॉमनली यूज फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 21 गेग, देन फॉलोइंग नीडल फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शंस इन पेडरेटिक जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हम 25 गेग की जो है वो नीडल यूज़ करते हैं। सफोटेनियस जो है वो पेडरेटिक जो छोटे बच्चे हैं सफोटेनियस उनके लिए हम कौन सी 23 गेग की हम यूज़ करते हैं। ये गेग आप याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा साथ साथ, ठीक रहेगा आप लोग के लिए। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंट्राथेरेकल इंजेक्शन इज ट्रू, इंट्राथेरेकल इंजेक्शन आर रिक्वायर्ड लंबर पेंचल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्राथेरेकल मैंने आपको बताया क्या होता है, थ्रो स्पाइनल कोड, ठीक है, इन्वॉल्व द डिलीवरिंग ऑफ मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू स्पाइनल कैनाल टिपिकली थ्रू द लंबर पेंचल प्रोसीजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेक्टल मेडिकेशन इज ट्रू, रेक्टल मेडिकेशन में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन इज सूटेबल फॉर द पेशेंट विद वोमिटिंग, रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन सूटेबल ऑफ पेशेंट हु इज अनेबल टू टेक मेडिकेशन ओरली ड्यू टू वोमिटिंग और स्वेलिंग डिफिकल्टीज। ठीक है, अगर वोमिट कर देता है मेडिकेशन को तो हम उसको थ्रो रेक्टल भी जो है मेडिकेशन इंजेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग मेडिसिन आती हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नीडल गेग कॉमनली यूज फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन पेडरेटिक, पेडरेटिक में जो है वो 30 गेग की हम नीडल यूज़ करते हैं छोटे बच्चों के लिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 42, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंट्रावेनस मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्रू, तो वो है आपकी सूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्रू। इंट्रामस्कुलर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है, इंट्रामस्कुलर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज सूटेबल फॉर इरिटेट द सफोटेनियस टिश्यू। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, फॉलोइंग स्टेटमेंट सफोटेनियस मेडिकेशन को लेकर जो इसमें ट्रू कौन सी है, वो है आपकी इज कॉमनली यूज फॉर लोकलाइज इफेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 45, स्टेटमेंट जो है ओरल मेडिकेशन के रिगार्डिंग इसमें कौन सी ट्रू है, वो आपकी ट्रू है सूटेबल फॉर इरिटेट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। देन क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी इंट्राडर्मल के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपकी इंट्राडर्मल मेडिकेशन इज सूटेबल फॉर एलर्जी टेस्टिंग। देन क्वेश्चन नंबर 47, अबाउट ट्रांसडर्मल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्रू, ट्रांसडर्मल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ फॉर कंटिन्यूस सिस्टमैटिक ड्रग डिलीवरी इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देन क्वेश्चन नंबर 48, इनहेलेशन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्रू, इनहेलेशन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन अलाउज फॉर लोकलाइज्ड इफेक्ट ऑन द लंग्स, ठीक है, सच एज ब्रोंकोकॉर्डिलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, वो यहाँ पर काम करते हैं। 49 क्वेश्चन के लिए, टॉपिकल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्रू, कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू है, वो आपका टॉपिकल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड द लोकलाइज इफेक्ट, इफेक्ट सच एज क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशन ऑन द स्किन जो हम अप्लाई करते हैं उसको हम टॉपिकल मेडिकेशन में बोलते हैं। ठीक है, और ट्रांसडर्मल पैचेस के थ्रू हम कौन सा होता है, ट्रांसडर्मल पैचेस मेडिसिन डिलीवर मेडिकेशन थ्रू द स्किन अलोइंग द कंटिन्यूअसली सिस्टमैटिक ड्रग डिलीवरी ऑन द एक्सटेंडेड टाइम। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व द इंजेक्शन फॉर द ड्रग इन टू वेन, इंट्रावेनस जो है वो रूट होता है। इंजेक्शन ड्रग इनटू द मसल कौन सा होता है, इंट्रामस्कुलर। देन आपका जो ड्रग जस्ट बिलो द स्किन सफोटेनियस, ड्रग ऑन द स्किन लोकलाइज्ड टॉपिकल, देन थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक उसको हम इनहेलेशन। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने रखे हैं ताकि आपको रिपीट हो जाए, आपको एक रिवीजन हो जाए साथ साथ, यहीं पर ही आप लोग आपके दिमाग में बैठ जाए एक बार में अच्छे से। स्वेलिंग ऑफ सिस्टमैटिक इफेक्ट ओरल जो है वो मेडिकेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और इंसर्शन ड्रग इन टू रेक्टम रेक्टल रूट, इंसर्शन ऑफ ड्रग इन टू वजाइना वजाइनल रूट भी होता है। ठीक है, थ्रो वजाइना भी मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वजाइनल रूट लोकलाइज इफेक्ट सच एज क्रीम, वजाइनल इन्फेक्शन और सिस्टमैटिक इफेक्ट सच एज हार्मोनल मेडिकेशन, प्लेसिंग ड्रग अंडर द टंग सबलिंगुअल रूट और एपिडर्मल मिशन वेसिकुलर सबलिंगुअल म्यूका। ठीक है, देन एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन द स्किन फॉर सिस्टमैटिक इफेक्ट लाइक ऑइंटमेंट्स ऑन द स्किन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 61, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ड्यूरिंग द नेजल म्यूकस, नेजल के थ्रू भी देते हैं, नेजल रूट और रैपिड अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन टू नेजल म्यूकस प्रोवाइडिंग बोथ लोकल एंड सिस्टमैटिक इफेक्ट। ठीक है, बाईपास द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक डायरेक्टली इन टू द एब्डोमिनल कैविटी, इंट्रा
peritoneal. Intraperitoneal route delivers directly into the peritoneal cavity, often the sit-in medication procedure. ओके जो हम डायरेक्टली जो है बाई फीडिंग ट्यूब जो है वो हम सीधा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में मेडिकेशन को छोड़ देते हैं. ठीक है. देन रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व इंजेक्टिंग अ ड्रग डायरेक्टली इंटू स्पाइनल कॉर्ड इंट्राथेरिकल. ठीक है. इंट्राएथिकल या इंट्राएथिकल बोल लीजिए आप. ठीक है. जिसमें कि हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है इन द स्पाइनल कैनाल यूज फॉर स्पेशलाइज्ड इन एनेस्थीजिया और स्पेसिफिक ड्रग थेरेपीज. मैंने आपको बताया था कि एनेस्थीजिया जब भी देते हैं हम तब इसी रूट से देते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 64 ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व इंजेक्टिंग ड्रग डायरेक्टली इनटू द हार्ट. उसको हम इंट्राकार्डियक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. एक इंट्राकार्डियक होता है. इंट्राकार्डियक डायरेक्टली हम जो है उसको हार्ट पर जो आपको कार्डियक अरेस्ट वगैरह आता है डायरेक्टली हम उसको कार्डियक में जो है अप्लाई करते हैं. रिजर्व रिवर्स्ड फॉर द स्पेसिफिक मेडिकल इंटरवेंशन. ठीक है. इंजेक्टिंग ड्रग जस्ट बीनीथ द स्किन एलर्जी टेस्टिंग. उसको हम बोलते हैं क्या इंट्राडर्मल रूट. ठीक है. 66 ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग इन हाई फर्स्ट पास इफेक्ट. उसको हम बोलते हैं इंट्रावेनस रूट. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्विक फास्ट एंड अचीविंग सिस्टमेटिक इफेक्ट थ्रू द इंट्रावेनस. ठीक है. लास्ट लीस्ट सूटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट ओरल मेडिकेशन जो है वो अगर पेशेंट कॉन्शियस है स्वेलो कर सकता है तो कॉन्शियस पेशेंट के लिए ठीक है. 69 क्वेश्चन पेशेंट एक्सपीरियंस नोसिया एंड वोमिटिंग. उसको हम जो है वो क्या करते हैं सफोटेनियस जो है उसको बाईपास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टेक्निक सूटेबल फॉर द पेशेंट नोसिया एंड वोमिटिंग. 70 क्वेश्चन नंबर देन अप्रोप्रिएट डिलीवरी ऑफ इंसुलिन. ठीक है. जो हम किस रूट से सफोटेनियस से कॉमनली यूज फॉर सेल्फ मेडिकेशन बाई पेशेंट ओरल जो है वो रूट सबसे अगर सेल्फ मेडिकेशन खुद से लेना चाहता है. कॉमनली यूज फॉर वैक्सीन इंट्रामस्कुलर कंटिन्यूस ड्रग डिलीवरी ऑन अ एक्सटेंडेड पीरियड ट्रांसडर्मल. ठीक है. देन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कॉमनली फॉर लोकल एनेस्थीजिया टॉपिकल. देन टॉपिकल एनेस्थीजिया अप्लाइड डायरेक्टली टू द साइट ऑफ एक्शन. देन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कॉमनली यूज फॉर एंटी एसिड सच एज स्टोमक एसिड रिड्यूस ओरली हम मेडिकेशन देते हैं. देन इंट्रामस्कुलर मेडिकेशन लाइक एपिफिरिन अगर देना हो तो इंट्रामस्कुलर देंगे हम. ड्रग डेट पोरली अब्जॉर्ब थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक उसको हम इंट्रावेनस थ्रू के रूट देंगे. ठीक है. देन पेशेंट इंपेयर द लीवर फंक्शन उसको हम इंट्रावेनस रूट से देंगे. ठीक है. देन हम मोस्ट रिलेबल एंड कंप्लीट अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इंट्रावेनस के थ्रू होती है. देन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाई कॉमनली फॉर ड्रग एंड बिटर इन टेस्ट सबलिंगल रूट. ठीक है. ओके. एडमिनिस्ट्रेशन कॉमनली यूज फॉर लोकल एनेस्थीसिया इन चाइल्ड बर्थ. एपिड्यूरल एनेस्थीजिया इन्वॉल्व इंजेक्टिंग ड्रग इन टू द एपिथ्यूरल स्पेस फॉर पेन रिलीविंग ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ. ठीक है. देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉमनली यूज फॉर नाइट्रोग्रेस्टलिन टैबलेट्स टू ट्रीट एंजाइना. ठीक है. उसको हम सबलिंगल रूट से देते हैं नाइट्रोग्रेस्टलिन. सॉरी मैंने ऊपर आपको बोला था नाइट्रोग्रेस्टलिन में भी कुछ ऑइंटमेंट हो सकती है बट नाइट्रोग्रेस्टलिन जो है वो आपकी वो टैबलेट और यूज फॉर कॉमनली एडमिनिस्ट्रेशन सबलिंगल रूट फॉर रैपिड अब्जॉर्प्शन एंड रिलीफ. ओके. देन एडमिनिस्ट्रेशन कॉमनली यूज फॉर ड्रग डिस्ट्रॉय बाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसिड एंड एंजाइम इंट्रावेनस. देन क्वेश्चन नंबर 84 रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कॉमनली यूज फॉर ड्रग रिक्वायर्ड स्लो एंड सस्टेन्ड रिलीज. ठीक है. देन ट्रांसडर्मल रूट्स एलो फॉर कंट्रोल एंड कंटिन्यूस ड्रग रिलीज सूटेबल फॉर ड्रग विद सस्टेन रिलीज रिक्वायरमेंट्स. 85 क्वेश्चन नंबर ब्रांचोकोडायलेटर ट्रीट अस्थमा. ठीक है. इनहेलेशन के थ्रू हाइपरिन इंजेक्शन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट. लो हाइपरिन मॉलिकुलर जो इंजेक्शन होते हैं जितने भी वो आपके सफोटेनियस दिए जाते हैं जिसमें कि आपका जो है वो ब्लड को जो है पतला करने का ब्लड थिनर का काम करते हैं जिसमें एंटीकोगुलेंट्स इफेक्ट होते हैं ब्लड क्लॉट होने से बचाते हैं. ठीक है. वो हाइपरिन लो हाइपरिनर मॉलिकुलर इंजेक्शन आते हैं. ठीक है. हाइपरिन जिस इंजेक्शन पर भी लिखा होगा आप समझ लीजिएगा कि ये इंजेक्शन कौन सा है आपका ब्लड थिनर है. क्वेश्चन नंबर 87 रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कॉमनली फॉर यूज फॉर एस्थेमेटिक मेडिकेशन कंट्रोल नॉस्किया एंड वोमिटिंग ओरल मेडिकेशन हम देते हैं. मेडिकेशन रैपिड ऑनसेट एक्शन इंट्रावेनस. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ओरल मेडिकेशन हम देते हैं जिसको हम आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को. तो ये थे आपके लगभग 89 क्वेश्चंस. ठीक है. अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं. वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए कमेंट कीजिएगा. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमें कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है. आपका अप्रिसिएशन अगर आपको अच्छी लगी वेल एंड गुड. इसी तरह का कॉन्टेक्ट फ्यूचर में कंटेंट जो है वो फ्यूचर में भी आपके लिए हम लाते रहेंगे. हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को ऑल पर सेट करेंगे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस.